अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोहब्बत और दोस्ती की एक अनोखी दास्तान, जिसमें जब एक दोस्त मरता है तो दूसरा उसके घर में उसके दुख में अपनी जान दे देता है और जिंदगी की बाजी हार जाता है। ये स्टोरी का क्या है, कहाँ की है, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। फ्यूचर स्क्रीन पर आप दो पिक्चर देख रहे हैं। जो पीछे पीठ पर बैठा है इसका नाम समर है और जो आगे आपको नज़र आ रहा है इसका नाम मोहम्मद है। और होता यूँ कुछ के ये पिक्चर जो आप सामने देख रहे हैं ये 1899 में सीरिया के शहर दमिश्क में ली गई, जिसमें जो पीठ पर बैठा आपको शख्स नज़र आ रहा है वो पैरों से मौजूद होता है, जबकि आगे वाला शख्स जिसको मोहम्मद कहते हैं और मुसलमान होता है वो आंखों से मज़बूर होता है। जो सुमैर है वो ईसाई होता है और जो मोहम्मद है वो मुसलमान होता है। इस तरह से पैरों से मज़बूर शख्स मोहम्मद की आंखों का सहारा बनता है और जो मोहम्मद होता है उसकी जो कि आँखें नाबीना होती हैं और वो जो सुमैर होता है ईसाई लड़का है तो उसका वो आसरा बनता है, सहारा बनता है। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं और दमिश्क के शहर की गलियों में वो एक दूसरे का सहारा बनकर सारा दिन चलते फिरते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा होता है कि जो सुमैर होता है वो बीमार होता है और उसकी वफात हो जाती है। ये दोनों रहते भी एक कमरे में एक जगह रहते हैं। अब जब सुमैर की वफात होती है तो जो मोहम्मद होता है उसका दोस्त वो काफ़ी दिनों तक अपने जो कमरा होता है वो कमरे से ही नहीं निकलता। तो लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या वाकया है, पता तो करें, पहले तो नज़र आते थे लेकिन अब क्या हुआ, कहाँ गए। जब वो पता करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो मोहम्मद होता है जो आंखों से नापीना होता है और वो मुसलमान होता है वो अपने दोस्त की जुदाई को इस तरह दिल पर ले लेता है कि वो वहीं कमरे में ही अपनी जान दे देता है, क्योंकि सुमैर की पहले वफात हो चुकी होती है और उसके दुख और उसके कर्ब में वो उसी कमरे में घुटन ज़्यादा कमरे में बह नहीं निकलता और महीनों कमरे में पड़ा रहता है और इसी हालात में वो वहीं अपनी जान दे देता है। तो ये एक मोहब्बत और दोस्ती की लाजवाब दास्तान है और वफादारी की लाजवाब दास्तान है, क्योंकि पहले वक्त में मोहब्बत, दोस्ती, वफादारी बहुत हुआ करती थी, आजकल के ज़माने में ये चीज़ें नहीं मिलती। तो जब एक दोस्त अपनी जान दे देता है तो जो दूसरा दोस्त होता है अपने दोस्त के कर्म में, उसके दुख में, उसकी तन्हाई में वो भी अपनी जान दे देता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।